अब हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब हम देखते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, तो इसके कार्य क्या क्या है हमारे मस्तिष्क के वो देखते हैं। ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि के कार्य भी करता है। तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय और अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव का व्यवहार आदि का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल होता है। तो मस्तिष्क इतने सारे कार्य करता है। मानव का मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर, खोपड़ी के अंदर की तरफ कपालीय मेनिनजेंस से घिरा रहता है, यानी कि मस्तिष्क है ये खोपड़ी के अंदर पाया जाता है और खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क एक झिल्ली होती है जिससे घिरा रहता है। उस झिल्ली का नाम है कपालीय मेनिनजेंस कहते हैं और इस झिल्ली के तीन भाग होते हैं, बाहरी परत ड्यूरामेटर और मध्य की परत एरेक्नोइड, मध्य की परत पतली होती है और आंतरिक परत पायमीटर होती है जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है। मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ देख सकते हैं हम मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क, ये पूरा अग्र मस्तिष्क होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क होता है और ये पश्चिम मस्तिष्क होता है, यहाँ से लेकर के ये पश्चिम मस्तिष्क में आता है। और जो ये थोड़ा नीला कलर का दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आता है मध्य मस्तिष्क में, बाकी जो अग्र मस्तिष्क में चला जाता है। और यहाँ से ग्रीन कलर से लेकर के ये जो पीछे का भाग होता है ये मध्य मस्तिष्क में, वो सॉरी पश्चिम मस्तिष्क में आता है और यहाँ तक का ये भाग अग्र मस्तिष्क में आता है। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, यानी मस्तिष्क को वैसे तीन भागों में बांटा गया है, अब अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। प्रमस्तिष्क जिसको शेरी ब्रह्म बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के तीन भाग थे थैलेमस, प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं हम सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांटा गया। हाइपोथैलेमस के पास में ये एक तंतु से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है और यहाँ पे जो ये तंतु एक छोटी सी उभार दिखाई दे रखा है इसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं और यह है एपिथैलेमस के पास में होती है। प्रमस्तिष्क जो दिखाई दे रखा है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। ये गहरी लंबवत बिदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में बांट देती है, दायां एवं बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बांट देती है। तो ये साइड से दिखाया हुआ है, अगर इसको हम सामने से देखें तो इसको इसके बीचों बीच में एक खांच होती है, जो खांच रहती है तो वो खांच इसको दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांटते प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दाएं बाएं में बांट देती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों गोलार्ध है। ये तंत्रिका तंतुओं की पट्टी होती है जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। तो ये कार्पस कैलोसम है, ये अंदर तक जाती है और दोनों गोलार्धों को जोड़ती है। फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है,
जिसे प्रेमस्तिष्क धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। यानी प्रेमस्तिष्क गोलार्ध है, इसके चारों ओर कोशिकाओं की एक परत होती है और जिसको हम प्रेमस्तिष्क, जिसको हम क्या कहते हैं, बलकुट कहते हैं, जिसे हम प्रेमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा निश्चित गर्तों में बदल जाती है। जो गड्ढे दिखाई दे रखे हैं, ये गड्ढे क्या है, प्रेमस्तिष्क कॉर्टेक्स के गड्ढे हैं, गर्त में बदल जाते हैं। प्रेमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहते हैं। तो प्रेमस्तिष्क बलकुट है, इसका रंग धूसर होता है, इस कारण इसको धूसर द्रव्य कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। तो जो धूसर रंग है, ये धूसर रंग किसके कारण मिलता है कॉर्टेक्स को, तंत्रिका कोशिकाओं के कारण। जब तंत्रिका कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, सांद्रित हो जाती है, तो इसको रंग मिलता है धूसरा रंग। तो दूसरा रंग कॉर्टेक्स को किसके कारण मिलता है, तंत्रिका कोशिकाओं के कारण। प्रेमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, तो प्रेमस्तिष्क बलकुट है, इसमें कौन कौन क्षेत्र पाए जाते हैं, प्रेरक क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र और एक बड़ा क्षेत्र होता है। तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, संवेदी और प्रेरक क्षेत्र और एक बड़ा क्षेत्र होता है। बड़ा क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से ना तो प्रेरक क्षेत्र से संबंधित होता है और ना ही संवेदी क्षेत्र से संबंधित होता है, तो इस बड़े क्षेत्र को क्या नाम दे दिया है, सहभागी क्षेत्र कहते हैं। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो सहभागी क्षेत्र है उसके कार्य क्या क्या है। संवेदना सहभागिता, तो यहाँ देख सकते हैं हम संवेदी क्षेत्र के क्या क्या भाग होते हैं। संवेदना, संवेदी सहभागिता, स्मरण यानी याददाश्त और संपर्क सूत्र होते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होता है। इस पथ के रेशे माइलिन से आवृत रहते हैं, यानी कि जो कॉर्टेक्स है और सहभागी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो रेशे हैं यानी कि जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये माइलिन से आच्छाद रहती है, जो कि प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस पथ को सफ़ेद पारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। तो जो माइलिन का आच्छाद का रेशे हैं, ये प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं और इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं, जिसे श्वेत द्रव कहते हैं। प्रेमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। तो जो प्रेमस्तिष्क ये थैलेमस है, थैलेमस के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। यानी संवेदी और प्रेरक का जो स्थल होता है कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी प्रेमस्तिष्क में पाए जाते हैं, और ये जो थैलेमस है, ये संवेदी और प्रेरक के संपर्क स्थल का काम करता है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं, जैसे शरीर का तापमान और खाने पीने का नियंत्रण। तो हाइपोथैलेमस में कौन कौन से केंद्र होते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण करना और खाने पीने का नियंत्रण हाइपोथैलेमस भाग में होते हैं। और इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएँ होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्रावित करती है, और हाइपोथैलेमस में कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती है। प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध है इसका आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग, यानी इसके अंदर के पाए जाने वाले अंग, जैसे कि एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। यानी प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और इसके अंदर पाए जाने वाले अंदरूनी अंग
मिलकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिविंग लॉब या लिविंग तंत्र कहते हैं। तो लिविंग लॉब या लिविंग तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग और आंतरिक अंग। आंतरिक अंग में आते हैं, दो अंगों को शामिल किया गया है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आदि को शामिल किया गया है। और ये लिविंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और लिविंग तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार तथा मनोभावनाओं आदि का नियंत्रण करता है। और ये जो मस्तिष्क में यहाँ पर पाया जाने वाला लिविंग तंत्र और हाइपोथैलेमस यहाँ होता है। हाइपोथैलेमस और लिविंग तंत्र दोनों मिलकर के मानव का लैंगिक व्यवहार और मन की भावनाओं का नियंत्रण करते हैं। मन की भावनाओं में क्या क्या आता है? उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय। तो हमने देखा कि जो मनोभावनाएं और लैंगिक व्यवहार है, इनका नियंत्रण मस्तिष्क के दो भाग करते हैं, एक तो लिविंग तंत्र और हाइपोथैलेमस, दोनों सम्मिलित रूप से करते हैं। हम देखते हैं मस्तिष्क का दूसरा भाग, मध्य मस्तिष्क। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मध्य मस्तिष्क दिखा रखा है। तो मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और पश्चिम मस्तिष्क की पॉन्स। अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पॉन्स के बीच का जो थोड़ा सा जो क्षेत्र दिखा रखा है, इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क से एक नलिका निकलती है जिसको हम प्रमस्तिष्क तरल नलिका कहते हैं। मध्य मस्तिष्क से एक नलिका निकलती है जिसको हम प्रमस्तिष्क तरल नलिका कहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो तरल नलिका है वो मध्य मस्तिष्क से होकर के निकलती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार उभार जैसे लोब होते हैं। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार लोब नुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलकर के करते हैं। अब हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पॉन्स, अनुमस्तिष्क। ये पॉन्स है ग्रीन कलर का, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा है, यहाँ से यहाँ तक का मान सकते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। पॉन्स रेशेनुमा पथ बनाता है। तो जो पॉन्स है ये रेशेनुमा पथ बनाता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह अलग होती है, अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि ये अलग रहता है जो अनुमस्तिष्क है जिसको सेरी बेलम कहते हैं, ये अलग रहता है, इसलिए इसके बीच में यानी कि पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा तो यहाँ पर जुड़े होते हैं, और अनुमस्तिष्क के बीच में यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है तंत्रिकाओं के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता। तो जो मस्तिष्क का जो मध्यांश है जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, यह है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन हृदय परिसंचरण, प्रतिवर्तन और पाचक रस आदि के केंद्र होते हैं। तो जो मेडुला है इसमें चार केंद्र पाए जाते हैं, श्वसन, हृदय दर और प्रतिवर्तन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होता है। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है यानी कि मेरु तंत्रिका कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं।
तो ये हमारा मस्तिष्क का तो ये है मानव मस्तिष्क का सममितार्थी कार्ड जिसको सेजिटल कहते हैं। तो ये हमारा मानव मस्तिष्क का पूरा हो जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क भाग है वो पूरा होता है।